हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा फैक्ट देखेंगे विटामिन्स के बारे में। तो हमें पता है कि जो विटामिन है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक फैट सोलबल विटामिन, एक वाटर सोलबल विटामिन। नाम से पता लग रहा है कि वाटर सोलबल विटामिन यानी कि वो विटामिन जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है विटामिन बी और सी। तो विटामिन बी और सी क्योंकि वाटर सोलबल विटामिन होते हैं, तो क्योंकि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तो ये आपकी बॉडी में इमिडिएटली यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि ये फैट सोलबल नहीं होते जो काफी देर तक आपकी बॉडी में स्टोर हो सके। दूसरी तरफ है आपके फैट सोलबल विटामिन, और फैट सोलबल विटामिन यानी कि जो फैट में डिजोल्व हो जाए, एग्जांपल है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के। तो फैट सोलबल विटामिन क्योंकि फैट्स में डिजोल्व होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में क्योंकि जो लीवर और फैटी जो एडिपोज टिश्यू है वहां पर लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं, तो आप इनका बाद में भी जो है इन विटामिन्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फैट्स में डिपॉजिट होते हैं। लेकिन वाटर सोलबल विटामिन के साथ ऐसा नहीं है। तो ये थे दो तरह के विटामिन, दो आपकी जो दो कैटेगरी है, एक वाटर सोलबल विटामिन विटामिन बी और सी, और दूसरा है फैट सोलबल विटामिन विटामिन ए, डी, ई और के। एक और चीज, जो वाटर सोलबल विटामिन है उसमें जो विटामिन बी के अंदर सारा जो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 सारे विटामिन जो विटामिन बी की कैटेगरी में है वो सारे आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।